हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 7 को विंडोज़ 10 में अपग्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने पेन ड्राइव बना ली है, आप पेन ड्राइव देखना चाहते हैं किस तरह से बनाई जाती है तो वो आप मेरी पहली की वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 की भी पेन ड्राइव किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको विंडोज़ की जो पेन ड्राइव थी इसमें मैंने सेटअप वाली जो फाइल है इसको मैंने रन कर दिया है और इसको रन होने देते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं, विंडोज़ 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक काफ़ी अच्छा और बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। तो ये ऑलरेडी इसकी सपोर्ट जो है वो बंद कर चुका है माइक्रोसॉफ्ट 2020 में ही, और ये एक क्लाइंट सिस्टम था 2008 सर्वर का। तो दोस्तों, इसको वैसे हम नो कर देते हैं, नॉट हमें अपडेट्स अभी नहीं करना सिस्टम को, तो इसको चलने देते हैं। मैं साथ साथ आपको इसके बारे में बताता जाऊँगा। तो दोस्तों, इसमें जैसे विंडोज़ सर्वर जो है 2008 R2 का ये क्लाइंट सिस्टम है, विंडोज़ 7 क्लाइंट सिस्टम बोल सकते हैं या स्टैंड अलोन सिस्टम बोल सकते हैं सिंगल यूज़ के लिए। तो और जो विंडोज़ 10 है उसके लिए वो जो है वो तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जो है 2016 के लिए क्लाइंट सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसको हम प्री एक्टिवेटेड 10,000 प्री एक्टिवेटेड पे कर देते हैं, 10 प्रो प्री एक्टिवेटेड, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी इसकी। तो दोस्तों, इसमें जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ जो 10 जो विंडोज़ 10 है ये विंडोज सर्वर 2016 का ये क्लाइंट सिस्टम है, और इसको आपको चलाने के लिए विंडोज़ 10 को चलाने के लिए आपको अराउंड 4 GB मिनिमम चाहिए आपको। चल तो ये कम में भी जाता है, लेकिन विंडोज़ 10 जो है तो इसमें मतलब आप ठीक ठाक बूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए विंडोज़ 10 में यूज़ करने में, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, तो आपको कम से कम 8 GB इसमें रैम यूज़ करनी चाहिए। अगर आप विंडोज़ 7 आपके पास है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें अपग्रेड कर रहे हैं तो आप रैम थोड़ा सा बढ़ा के यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं। तो इसमें आप रैम बढ़ा सकते हैं, और जहाँ तक कंपैटिबिलिटी की बात है दोस्तों, विंडोज़ 7 की जो ऐप कंपैटिबिलिटी है वो विंडोज़ 10 से बेटर है, काफ़ी बेटर है। और विंडोज़ 7 जो है काफ़ी स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्योंकि इसमें पैचेस वगैरह सारे अप टू डेट टाइम टू टाइम होते रहे हैं। तो ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन होने के बाद भी काफ़ी अपडेट होता है विंडोज़ 7, और उसकी भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बहुत अच्छा स्टेप्स से मैंने बताया हुआ है कि इस तरह से आपको विंडोज़ 7 स्टेप बाय स्टेप अपडेट करना है। कुछ आप ऑफलाइन अपडेट भी कर सकते हैं, और बाद में जब वो पूरा हो जाता है तो फिर आप उसको ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगा उसका, और अगर देखना चाहें तो। और विंडोज़ 10 को हम देख लेते हैं। विंडोज़ 10 के लिए जो है आपको लगभग 25 से 40 GB हार्ड ड्राइव स्पेस होना ज़रूरी है। विंडोज़ 10 जो है इंस्टॉल होने के बाद भी अपडेट होता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग वेरिएंट जो हैं इसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब विंडोज़ 10 का जो होम प्रीमियम है, फिर विंडोज़ 10 प्रोफेशनल है, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज है, तो वो आपको अलग अलग उसमें अलग अलग वेरिएंट पे अलग अलग स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ बस ये आप कर सकते हैं इसमें कंपेयर करने में, विंडोज़ 7 जो है आप थोड़ा सा कम लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पे भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि विंडोज़ 10 क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है तो कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा वो करना पड़ता है इसमें, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड सिस्टम पे यूज़ करना पड़ता है इसको। दोस्तों, आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आप जो आपका डेटा होगा वो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड्स फोल्डर में, तो वो आपका डेटा इंटैक्ट रहेगा, आपको डेटा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया है और यूज़र आईडी भी क्रिएट हो गई है। मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, और ये सारी सर्विसेज भी हम अभी इसको ऑफ कर देते हैं।
और एक्सेप्ट कर देते हैं। कोटाना पे भी नो कर देते हैं और इन सभी को अभी नेक्स्ट करके निकल जाते हैं। हो गया दोस्तों, डेस्कटॉप ओपन हो गया है और सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं, विंडोज़ 10 में अपग्रेड कर सकते हैं, विंडोज़ 7 अगर आपके पास चल रहा है तो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट एंड लाइक करें वीडियो अच्छी लगे तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।